दोस्तों, ई रूपी नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया एक एप्लीकेशन है जो कि पैसे के लेनदेन के लिए और भी काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली यही जानने वाले हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है A to Z, ये कैसे काम करेगा, कहाँ पे इसके फायदे हैं। तो बने रहिएगा लास्ट तक। मैं हूँ अभिषेक, आप देख रहे हैं ये यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि ई रूपी जो है आखिर ये है क्या, उसके बाद क्वेश्चन है कि क्या फर्क है ई रूपी और दूसरे पेमेंट ऐप में, इसके बाद क्वेश्चन है कैसा होगा ई रूपी के जरिए कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी भुगतान, और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम इंडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है ये सुरक्षित। तो आइए सब कुछ जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि ई रूपी क्या है। तो ई रूपी एक कॉन्टेक्टलेस कैशलेस ट्रांजेक्शन सिस्टम है जो ऐप के तरीके से जो है बनाया गया, मतलब प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये आपके सारे वित्तीय लेन देन को जो है पूरा करेगा। कोई भी दूसरे नेट बैंकिंग डिजिटल पेमेंट ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको अगर आपने ई रूपी इंस्टॉल किया। अब जानते हैं कि ई रूपी और दूसरे पेमेंट ऐप में क्या फर्क है, क्या अंतर है। तो कोई दूसरा डिजिटल पेमेंट ऐप जैसे कि गूगल पे है, फोन पे है या पेटीएम से अगर आप पेमेंट करते हैं तो पहले आपको बैंक खाता जोड़ना होता है जो मोबाइल नंबर के माध्यम से जुड़ा होता है, फिर जिसको पे करना है उसका फोन नंबर, UPI ID या फिर QR कोड स्कैन करके आप पेमेंट करते हैं। सेम उसी तरीके से ई रूपी भी जो है एक ऐप है जहां जिसको पेमेंट करेंगे उन्हें एक प्रीपेड QR कोड भेज दिया जाएगा जो ई रूपी पहले आपके लिए जनरेट करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या अलग है। तो ई रूपी ऐप में पहले जिनको पे करना होगा उनके लिए एक यूनिक QR कोड जनरेट करेंगे, फिर वो QR कोड के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में SMS के तरीके से जाएगा और फिर वो QR कोड या वाउचर को रिडीम करेंगे जब आप सामने से परमिशन देंगे तब। अब जानते हैं कि इसके फायदे क्या है। तो सरकार का कहना यह है कि इस तरीके से प्रीपेड भुगतान प्रणाली में जो है आसानी होगी कि सरकार जो भी कल्याण प्रणाली के जरिए जो पैसा गरीबों को दे रही है या कोई भी सब्सिडी हुआ, किसी भी प्रकार का भुगतान हुआ, ये जो है कम आय वाले लोगों तक पहुंचाने के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा जो सीधे मोबाइल पे QR कोड खोलेंगे और उनको प्रीपेड सिस्टम की तरह जो है वहां पे ये पैसा पहुंच जाएगा। इसमें किसी भी मीडिएटर यानी कि बिचौलियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जांपल के लिए दोस्तों जैसे मैं बताना चाहूंगा कि जैसे गवर्नमेंट ने जो है किसी मेडिकल के लिए कोई सब्सिडी दी तो अब लोग क्या करते हैं कि उस मेडिकल के पैसे को, अब जैसे किसी के घर में कोई गरीब की फैमिली है एंड उसका जो हस्बैंड है वो ड्रिंकर है, वो उस पैसे को ले जाकर कहीं ड्रिंक कर जाता है, यूज कर जाता है फालतू फालतू जगह पे। लेकिन उसमें क्या होगा कि ये अगर मेडिकल से रिलेटेड सरकार इसको दे रही है, वो जो अमाउंट होगा वो उसी QR कोड के अंतर्गत रहेगा और वो QR कोड जाके वो काउंटर पे ही रिडीम कर सकता है, यानी कि किसी भी मेडिकल की सुविधा के लिए कोई भी चीज हो वहां पे जाके यूज कर सकता है, ना कि उस पैसे को निकाल के और कुछ और यूज कर पाएगा। तो यहाँ पे फायदा ये होगा कि जिस चीज के लिए सरकार उसको सब्सिडी के रूप में देगी उस चीज के लिए ही उसको यूज किया जा सकेगा और ये बहुत ही सेफ होगा, स्पेशली जो गरीब लोग हैं उनके लिए काफी जो हेल्प करेगा, उनका जो सब्सिडी है वो दूसरा कोई यहाँ पे नहीं ले पाएगा। अब एक्चुअली हम ये जानते हैं कि वो कैसे करेगा। सरकार के पास जो है सारा जो है डेटा है जिसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर सारे बैंक खाते से जुड़े हुए हैं। LPG सब्सिडी जो है ऐसे ही दी गई थी, यहाँ पर उज्ज्वला योजना के तहत जो है गरीबों के बैंक खाते में जो है डायरेक्ट सब्सिडी का जो अमाउंट है वो ट्रांसफर किया जाता था और आप देख सकते हैं कि यहाँ भी गैस की जो है किल्लत होती थी, अब आजकल कहीं भी सिलेंडर की किल्लत नहीं है क्योंकि ब्लैक मार्केट ऑलमोस्ट जब बंद हो चुकी है। तो सरकार का ये बहुत ही सराहनीय काम रहा और इससे स्पेशली गरीब लोगों को काफी फायदा हुआ। गूगल पे और फोन पे का सिस्टम ऐसा है कि वहां भी आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर को जोड़ते हैं और पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। अब कभी भी ट्रांजेक्शन बीच में रुक जाए या कुछ और इशू हो जाए तो रिफंड आने में समय लगता है, वो परेशानी यहाँ पे दूर होने वाली है। ये बात सही है, QR कोड में पैसा पहले ही डेबिट हो चुका होगा और जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक सामने वाला उसे रिडीम नहीं कर पाएगा। लेकिन बाकी का जो पूरा सिस्टम है वही होगा, बैंक अकाउंट का मोबाइल नंबर के जरिए ऐड करना, ये बेसिक स्टेप होगा। और वैसे भी UPI ऐप के आने के बाद नेटवर्क बैंकिंग ऐप का जो बिजनेस है वो ऑलमोस्ट लगभग बंद हो चुका है, तो सहज संपर्क रहित और कैशलेस का जुमला भी जो है थोड़ा हजम होने से रहा। फिर आप पूछेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे फिर अलग क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं यहीं पे शेयर करने वाला हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट है स्पेशली हम इंडियंस के लिए, गूगल पे का जो मालिक है वो है गूगल, फोन पे का मालिक है वॉलमार्ट और पेटीएम के पीछे कौन सी चाइनीज कंपनी का फंडिंग है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट गूगल कीजिए तो आपको पता चल जाएगा। और इसीलिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यानी कि वित्तीय लेन देन में जो डेटा
को जो सुरक्षित करने का मामला है वो बिल्कुल सामने आ जाता है। इसलिए सरकार का ये जो ऐप है एक बहुत ही अच्छा सुरक्षित और सुरक्षित वैकल्पिक प्रतिबंध है डिजिटल लेन देन के लिए। ये पॉइंट ई रूपी का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट हो सकता था। ये काम जो भी मार्केटिंग एजेंसी कर रही है उनके लिए मेरे पास एक एडवाइस ये है कि आजकल पब्लिक को जो है ना सब कुछ पता होता है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कौन सा अच्छा है और इनके क्या फीचर है। वो दिन चले गए जब आपको फीचर बोलना पड़ता था। आजकल आप और मैं डिजिटली काफी लिटरेट हो चुके हैं, लेकिन जो सुरक्षा वाली बात सबसे जरूरी थी वो अगर खुल के सामने आ जाए, लोगों को जागरूक किया जाए इसके मामले में कि ये कितना सुरक्षित है और हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो लोगों को जो है एक्चुअल जो है ट्रूथ पता चलेगी और उसके बाद लोग जो है शायद जो फॉरेन की जो कंपनियां हैं जैसे गूगल पे, फोन पे, शायद वो लोग उसको यूज भी ना करें और उनको एक्चुअल ये भी पता चलेगा कि उनको यूज करने से क्या क्या यहाँ पे खतरे हो सकते हैं, तब जो है जाके लोग जो है ई रूपी को जो है बिल्कुल आराम से जो है अपना लेंगे और उसकी किसी भी मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी और हर इंडियंस आई होप कि इस एप्लीकेशन को ही यूज करेगा। तो आप लोग क्या इस एप्लीकेशन को यूज करेंगे या नहीं, वीडियो कैसी रही, जानकारी आपको मिली कि नहीं जरूर बताइए और कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों बेझिझक नीचे क्वेश्चन कीजिए, हम लोग आपके सारे क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक सर। थैंक यू सो मच।